फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो आज की शुरुआत हो रही है सबसे पहले आयुष को नहलाने के बाद। आज आयुष काफी टाइम दिनों बाद नहाया, आज 3-4 दिन तो हो गया होगा ना, इतने दिनों बाद नहाया है। मैं कब से सोच रही थी नहलाना, खुद को भी आलस आ रहा था, इसको नहलाने में भी आलस आ रहा था। तो आज थोड़ी सी धूप निकली तो मैंने सोचा की इसको नहला ही देती हूँ, पानी वानी गर्म करके इसको नहलाने का हो गया है काम। और अभी जल्दी से इसको कपड़े पहना दूंगी। मूली की थिचोनी मतलब मूली का आप सूप भी बोल सकते हो, हम गढ़वाल में बोलते हैं मूली की थिचोनी। तो इसके लिए चाहिए मूली, आलू छोटा सा, 2 टमाटर और लहसुन, और ये सिलबट्टा। तो अब मैं इसको इस सिलबट्टे में कूटूंगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इस तरह से मैंने मूली को ना इसमें सिलबट्टे में ना ऐसे करके इतना बारीक आपको कूट लेना है। और ये एक आलू मैंने लिया था, आलू भी कूट लिया है और लहसुन को भी मैंने उसी में पीस दिया है। और ये मैंने टमाटर को बारीक चॉप कर दिया है। अब मैंने तेल गरम कर लिया है, तेल आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने अभी सरसों का तेल लिया है, मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी इसको। मैं क्या करूंगी, हमारे गाँव में होता है जखिया, जो गढ़वाली होंगे ना उनको पता होगा ये है जखिया, यहाँ आप राई भी कह सकते हैं। ये बहुत बारीक होता है, मुझे नहीं पता यहाँ मिलता है, मैंने क्योंकि मैं तो वहीं से लेकर आती हूँ। और ये है, वैसे तो ये गढ़वालियों की ही, गढ़वाली लोग ज़्यादा बनाते हैं ये, इसको बोलते हैं मूली की थिचोनी, मूली का आलण। ठीक है, आप इसको अपनी लैंग्वेज आप मूली का सूप बोल सकते हैं। ये रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो तेल गर्म हो गया, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप इसको कोई भी तेल ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें तड़का दे दूंगी इसका जखिए का, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। फिर इसमें जाएगा लहसुन, सिम कर लेना एकदम से जले ना। फिर इसके बाद इसमें आलू डाल दें और साथ में डाल दिया मूली। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा भून लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आने लग गया है। इस प्रोसेस में इसके बाद मैं डालूंगी ये टमाटर। टमाटर में मैंने पहले से नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया मसाला, मिर्ची, ये सब मैंने पहले से डाल दिया है। अब मैं इसमें क्या कहते हैं इसको, इसमें टमाटर को और मसालों को डाल दूंगी। अब इसके बाद ये थोड़ा इसको भी भूनना ही है, तब तक टमाटर ना गल ना जाए। और मिर्च मसाले जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कैसा खाना है। मुझे तो बच्चे के लिए भी बनाना होता तो मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ। इसमें हरी मिर्च डालो, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी ये टमाटर थोड़ा सा गलेगा, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो ऐसे ढक्कन रख के मैंने थोड़ा इसको पका लिया था, अब देखते हैं कैसा हो गया। हाँ, तो ये टमाटर हो चुके हैं, गल गए हैं। तो इस तरह से अगर नहीं हुए तो इसको इस तरह से मैश कर दीजिए, और जैसे तेल ऊपर आने लग जाए दैट मीन्स मसाला भी पक गया है, टमाटर भी गल गए हैं और मूली भी हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है पानी और इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद ये देखो इस तरह से हो जाएगा। कम से कम इसको 15-20 मिनट ऐसे ही बॉईल करना है। इसमें सारे मसाले घुल गए हैं, सब कुछ हो गया। 15-20 मिनट आप इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा थिकनेस आ जाएगी इसमें, और फिर बस आप इसको चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो। आपको ग्रेवी थिक करनी है या थोड़ा सा सूप टाइप पीना है, आप सूप की तरह भी इसको ले सकते हैं। बात आपको क्या करना है कि एक चम्मच आपने आटा लेना है, इसमें डालना है पानी,
इसका घोल आपको भी इस पे डाल देना है मूली के सूप में या मूली के खिचौड़ी मूली के आगे। इससे क्या होगा, ग्रेवी क्या होगी थोड़ी सी ना थिक हो जाएगी। आप थिक अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं एक चम्मच आटा यूज कर रही हूँ। अगर आपको नहीं करनी थिक तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से लम्स नहीं होने चाहिए, इस तरह से आप डाल दो और इसको अभी थोड़ा सा ना थिक हो जाएगी, नहीं तो पानी पानी सा लगता है ना ऐसे। अब ये 15-20 मिनट बॉईल होएगा, इसे 15-20 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे और ग्रेवी थोड़ी थिक होने लग जाएगी। तो ये बनके हो गया है रेडी। इसमें मैंने उसके बाद आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप हरा धनिया डाल सकते हो। मेरे पास टाइम खत्म हो गया था तो मैंने इसके ऊपर कस्तूरी मेथी डाल दी, तो आप कस्तूरी मेथी भी यूज कर सकते हो। और ऊपर से जब पूरा बन जाएगा आप घी डाल दो एक चम्मच और ये कस्तूरी मेथी। इसके बाद रेडी टू ईट। आप इसे चावल के साथ खाइए या फिर आप ऐसे नॉर्मल सूप की तरह भी पी सकते हैं और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी तो प्लीज जरूर बनाना और मुझे कमेंट करना कि आपको कैसे लगी।